What's up and welcome back to my channel. एक बार फिर से फैशन पुलिस आ गई है ऑनलाइन फैशन हैक्स को टेस्ट करने के लिए. लास्ट टाइम आई गेस हमने 5-6 महीने पहले फैशन हैक्स वाली वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर. तो आई नो दिस वीडियो वॉज लॉन्ग ड्यू. तो एक बार फिर से हम आ गए हैं ऑनलाइन फैशन हैक्स को देखने के लिए कि वो रियल लाइफ में वर्क करेंगे भी या नहीं. आओ एक एक करके टेस्ट करते हैं, पर्दाफाश करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास ये स्कार्फ हैक. हमारी हर फैशन वीडियो में एक ना एक स्कार्फ हैक तो होता ही है. मेरे को समझ नहीं आता कि एक स्कार्फ से हम कितनी ही चीजें कर सकते. जस्ट लुक एट इट, इतना मस्त टॉप निकल कर आया है. आई वाज लाइक आई हैव टू ट्राई इट. एंड ये थोड़ा मेरे पर्सनल स्टाइल से भी जा रहा है, लेट्स सी के वर्क करेगा भी या नहीं. ये रहा हमारा स्कार्फ, कितना ज्यादा प्रिटी है. मेरे को ये समर्स के लिए काफी सही लग रहा था. ऐसे सारे कलर्स है इसके अंदर. तो इसको पहले हमें ऐसे हाफ में फोल्ड करना है पूरे को. एंड इसको हमें ऐसे गले के पीछे लेकर आना है. पीछे से इसको ना ऐसे क्रिस क्रॉस करना है. जस्ट ब्रिंग इट फॉरवर्ड. एंड जो ये हमने एक सेकेंड मेरा हाथ कम पड़ रहा है इसको करने के लिए. मेरे हाथ से फिसल रहा है ये पूरा टॉप. जो ये हाफ पार्ट से ना इसको अब हमें आगे टाई करना है. लाइक बस ऐसे नॉट बांध लो. ओके वैसे कलर काफी प्रिटी निकल कर आ रहा है. काफी समरी लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ मैं बीच में पहनना चाहूंगी. वी आर रेडी. ये काफी शैबी लग रहा है. एंड नीचे से तो ये कुछ इस तरीके से लाइक एक हवा का झोंका एंड तो हमें इसे सिक्योर करना पड़ेगा. सेफ्टी पिन, सेविंग लाइफ सिंस फॉरएवर. हम इसको ऐसे ओवरलैप करके टाइट बांध रहे हैं ताकि सिक्योर्ड रहे. एंड मैं अपना इनर भी ले रही हूँ साथ में ताकि ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे. हमारा टॉप बनके तैयार हो गया. ये पहले काफी शैबी लग रहा था बट अब काफी क्लीन निकल कर आया. हमने अच्छे से सिक्योर वगैरह कर लिया. पीछे से भी मैंने लाइक पूरा अपने इनर को कवर कर लिया. तो मेरे को अंदर भी काइंड ऑफ यू नो सपोर्ट मिल रहा है. मेरे को ऐसे वियर्ड और ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है. बेस्ट पार्ट ऐसे वाले टॉप का ये है कि तुम मेरे बेसिक मॉम जीन्स या फिर ऐसे बैगी जीन्स वगैरह के साथ भी पहन सकते हो. एंड बेसिक पर्ल वाले इयररिंग्स भी जा रहे हैं. लाइक लुक बन गए ऑटोमेटिकली. लेकिन थोड़ी देर बाद ना मेरे को अपने गर्दन में दर्द आ रहा है. आई गेस वो मेरी प्रॉब्लम है बट या एक बार तुम ट्राई कर सकते हो. उन्होंने कुछ ऐसा भी किया था भाई साहब, ऐसे तो मैं अटक ही गई. मैं अपने आर्म्स ही नहीं चला पाऊंगी. मूविंग ऑन, नेक्स्ट हैक की वीडियो बहुत ज्यादा वाली पड़ी है लेकिन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो बेसिकली वो उसमें ये बता रही है कि जो हमारे ब्रा पैड्स या फिर जो कप्स होते हैं जो रिमूवेबल वाले होते हैं तो उसको यूजली हम ऐसे इंसर्ट नहीं करते ताकि निपल प्रॉब्लम ना आए. लेकिन वो ऐसे गिर जाते हैं, वो एक जगह यू नो होल्ड होके नहीं रहते. तो शी इज सेइंग कि उसको तुम उसकी जो एक लेयर होती है ना, जो वो पैड होता है, उसको ऐसे पील ऑफ कर लो. एंड वो बहुत ही रफ रफ टेक्सचर होता है. इट जस्ट स्टिक्स टू योर टॉप तो ऐसे फिसलता नहीं है. एंड वो एक जगह रहता है भाई साहब. आई डिड नो अबाउट इट. पहली बात कि ऐसा भी कुछ होता है तुम उसे पील ऑफ भी कर सकते हो. ये रहे हमारे पैड्स टेस्ट करने के लिए. ये बहुत ही पुराने हैं. यू कैन सी अंदर से इनकी हालत खराब हो रखी है. लेट्स सी कि इनकी कोई लेयर भी हो. आई कैन सी ये समथिंग ब्राउन है एंड यहाँ ग्रे है, यहाँ ग्रे है. तो येस लेयर तो है बट क्या ये निकल पाएगी? आइए देखते हैं. आ गया. See? Ow! मैं कोई ऊपर वाली लेयर पील करनी थी, नीचे वाली हो गई. बट इट्स ओके. बट ये सॉफ्ट लग रहा है मेरे को. दूसरी साइड वाली ट्राई करें. अमेजिंग. आई हैव नो क्लू. इट्स डन. और ये है थोड़ा सा रफी रफी सा. ये इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है. बाय बाय. डन. सो इजी. एंड एक्चुअली मैं It's just there. It's not moving at all. It's crazy. ऐसा लगता है कि ये चीजें पड़ी रहती हैं. Sometimes तो we throw also and yeah, मस्त काम आ रहे हैं ये इस बार. बेचारा इतना पुराना था, उसका फोम भी हट गया. But कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे. तो एक्चुअली मैं आई यूज दिस काइंड ऑफ पैड सो मच एंड वो हमेशा फिसलते रहते हैं. बट इसमें मेरे को ऑलरेडी पता चल रहा है. लाइक इफ यू ट्राई इट ना तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इट्स स्टिकिंग टू योर टॉप. वो जो रफ टेक्सचर है ना वो मस्त चिपक रहा है टॉप के साथ. एंड इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. आराम, सुकून, इतना फ्री मेरे को कभी फील नहीं हुआ. इट वर्क्स. मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास वायरल वी लाइन स्कर्ट हैक, जिसमें तुम्हें स्कर्ट को फ्रंट से पकड़ के थोड़ी देर वो लूंगी लगेगी लेकिन उसको तुम्हें टाई करना है. And just tuck it inside, भाई साहब. It was so easy. Actually, मैं ऐसी V line वाली skirt बहुत you know ढूंढना चाह रही हूँ internet पे क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा trending and you know popular है. But जब बहुत ज़्यादा महंगी आती है. ये रही हमारी skirt. अभी ये बिल्कुल सीधी line लग रही है. इसको हमें rubber band okay. तो इसको हमें front से पकड़ के पहले तो tie करना है. Like this. ये बहुत ही फनी लग रहा है अभी. एंड इसको हमें अंदर करना है. ऑलरेडी थोड़ा सा इफेक्ट आने लग गया है. जस्ट टाई किया अभी तो मैंने, अंदर किया एंड ओके ओके इट वर्क. इट वॉज सो ईजी. एंड बल्जिंग भी नहीं आ रहा है. जो हमने नॉट बांधी है ना
कुछ ऐसे वो मोटा सा बल्ज नहीं आ रहा है, वो आराम से स्मूथ सीमलेस इफेक्टिव लग रहा है। ऐसा लगता है कोई मैजिकल हैक्स है, हमेशा से थे दुनिया में बट वी आर जस्ट डिस्कवरिंग देम एंड यूजिंग देम इन आवर डेली लाइफ। मस्त लग रहा है यार ये तो। तुम जीन्स नहीं पैंट्स वगैरह के साथ कर सकते हो, लाइक जिसमें बटन ना हो, ऐसे इलास्टिक वाले आराम से। वैसे इस टॉप की भी लाइव टेस्टिंग हो गई है, जो हमने अंदर पैड्स लगाए थे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने काफी देर से पहन रखा है विद इन द वीडियो ऑल्सो एंड इट्स स्टिल देयर परफेक्ट। मूविंग ऑन, हमारे पास है एक बहुत ही मस्त वाला नेकलेस हैक। तो इसमें इन्होंने बेसिकली दो नेकलेस लिए हैं एंड उनको जोड़ दिया है, उनसे पता क्या हुआ है, बहुत ही मस्त बड़ा वाला ऐसे लेयर्ड नेकलेस बन गया। लेयर्ड नेकलेसेस इतने ज़्यादा महंगे आते हैं, आई डोंट नो वाई, बट अगर ये कर सकते तो ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे नेकलेसेस रखे हुए हैं, आराम से बनाएंगे और बस सुंदर लगेंगे। लेट्स सी। एक नेकलेस तो मैंने ये पहना ही हुआ है, इसे यूज़ करेंगे एंड दूसरा वाला मैंने थोड़ा सा टेक्स्चर्ड वाला लिया ताकि हम डिफरेंस यू नो विजुअली देख पाए। मैं हुक को हुक में नहीं डाल रही, मैं एक हुक को दूसरे वाले के एंड में डाल रही हूँ लाइक दिस, ताकि मेरे पास एक हुक फ्री बचे। तो ये हमारी बहुत ही बड़ी चेन बन गई यार, ये तो मेरी वेस्ट चेन भी बन गई है। लाइक भाई सी, हम ऐसे हैक्स में से हैक्स निकाल रहे हैं, आई नेवर थॉट ऑफ दिस, बट अभी हमें नेकलेस बनाने। अरे मेरा दिल चला गया दूर। पहले हार्ट एंड इसको घुमाया, इट्स नॉट टफ, इट्स जस्ट व्हेनेवर आई डू इट वो ऐसे मुश्किल सा हो जाता है। इसमें अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम दोनों एक साथ भी तो पहन सकते थे, लेकिन इसकी खास बात यह कि तुम किसी भी एक को बड़ा कर सकते हो एंड किसी टूट गया वो। माय किस्मत साथ नहीं दे रही है कागज की चेन, तुम इसे ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हो लाइक दिस, और अभी इस वाले को बड़ा कर सकते हो लाइक दिस। बन गया ये, बस मेरा नेकलेस बीच में टूट गया, बट इट वर्क्स, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एंड मेक वेस्ट चेन्स ऑल्सो। दो चीज़ एक ही उसमें, एक ही हैक में। ऐसे हैक्स वर्क करते रहते हैं ना, ऐसे मज़ा सा आता है, ऐसे मन करता है और ट्राई करो और ट्राई करो। तो हमारे पास बहुत ही मस्त वाला है, हाउ टू फिक्स अ गैपिंग काउल नेक, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे गिरता रहता है। तो हमें एक रबर बैंड लेनी है, उसको अपनी ब्रा में सिक्योर करना है लाइक दिस, और फिर सेफ्टी पिन उस हेयर टाइम में। ये रहा मेरा टॉप एंड एज यू कैन सी इट जस्ट कीप्स फॉलिंग एंड सब कुछ दिख रहा है अंदर का। तो रबर बैंड, यही रबर बैंड हमारी काम आ रही है हर जगह पे। थैंक यू स्कर्ट, तुमने इसे अच्छे से होल्ड किया। ये रहा रबर बैंड, इसको हमें अपने ब्रा में से पहले तो निकालना है एंड इसको हिस्सा ऐसे नॉट करना है। ये हो गया पूरा सिक्योर, आई थिंक सो। अब इसको ऐसे ही रहने देना है, थोड़ी देर इसे हटा देते हैं। सेफ्टी पिन लेनी है, टॉप के यहाँ अंदर लगानी है, जहाँ पे भी तुम्हें चाहिए कि यू नो सिक्योर हो जाए। तो आई थिंक यहाँ पे इनफ है लाइक दिस, एंड इस पार्ट को इसके बीच में से निकालना है एंड यू आर डन। इसको अंदर सिक्योर कर लो एंड ओके, इट काइंड ऑफ वर्क्स, बट मेरा रबर बैंड दिख रहा है। आई गेस मैं थोड़ा और ऊपर से सिक्योर करूँगी ना तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, बट सी पहले वाले से तो काफ़ी डिफरेंस है। इसने होल्ड तो किया भाई साहब, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी बट ये वर्क कर रहा है अच्छे से। लेकिन मेरे को जस्ट रियलाइज हुआ, ये तो हमने हटा लिया बट हमारी ब्रा स्ट्रैप्स भी दिख रही हैं और उनकी भी दिख रही है। आई गेस फ्लो में मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आई गेस इसका एक सोल्यूशन है कि जो स्ट्रैपलेस ब्रास होती है ना, तुम उसके साथ भी कर सकते हो ये, क्योंकि तुम्हें यहाँ से करना है सब कुछ, यहाँ से इसका कोई रोल नहीं है। वैसे तुम फैशन टेप भी लगा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली फैशन टेप हर जगह अवेलेबल नहीं होती, क्या पता खत्म भी हो गई हो घर में। लेकिन एक रबर बैंड और सेफ्टी पिन अभी नहीं है क्योंकि मैंने लगा ली है, वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल और एक्सेसिबल भी होती है, तो ये बहुत ही आराम से यू नो कर सकते हो तुम कहीं पे भी अगर सिचुएशन में फंसे हो। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम डोंट थ्रो दीज अवे। ओ जो ये लटकते नहीं रहते ऐसे साइड में, वाओ ओके, ये ऐसे भी काम आ सकते हैं, वी डिड नो दैट, ओके आई हैव टू ट्राई इट। हमारे पास सिमिलर ड्रेस तो है एंड ये ऑब्वियसली लटक रहे हैं, आओ इन्हें हटाते हैं। आई गेस वो खींच के ही निकल गया, ये बहुत हल्के होते हैं यार सी। अरे मेरे को वैसे दोनों निकालने की जरूरत नहीं, मैंने एक्साइटमेंट निकाल दिया यार, दोनों में एक की जरूरत है। वैसे उनका ट्रांसपेरेंट था बट आई गेस जो भी ड्रेस में हमारे पास अवेलेबल है हम तो वही करने वाले हैं। ट्रांसपेरेंट हो तो हाँ वो ज्यादा बेटर है, दिखेगा नहीं, बट आई गेस ये रिबन टाइप इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगेगा इस पे। शिट मेरी ड्रेस ही निकल गई यार, हम यहाँ हैक्स करने चले, हमारे कपड़े संभल नहीं रहे, मेरी तो ड्रेस ही निकल गई यार, मेरे को इसे फिक्स करना पड़ेगा। बट हाँ इट वर्क्स, इज जस्ट ये बहुत ही बेकार स्टिचिंग दे रखी थी इन्होंने मेरी ड्रेस में। थैंक गॉड मेरे को अभी पता चल गया, पता चले मैं बाहर कहीं जाती ऐसे वार्डरोब मॉल फंक्शन हो जाता तो दिस हैक काइंड ऑफ सेव्ड मी आल्सो। बट हाँ तुम इसे ट्राई करना है, मेरे को बताना कि वर्क किया या नहीं, बट या इट विल वर्क। नेक्स्ट हमारे पास फाइनली एक पुशअप ब्रा हैक, ये भी हमारे सारे हैक में एक ना एक तो आता ही है, पता नहीं कैसे यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं। ओके भाई साहब
ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. मेरे को एक तो देख के ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये हो गया, बट ऐसे जकड़ा जकड़ा सा नहीं फील हो रहा, लाइक टाइट टाइट सा. आई गेस ये इसी टॉप में हो जाएगा. लेट्स सी. ये रही हमारी थ्रेड. ओके और ये रही मेरी ब्रा स्ट्रैप. मेक श्योर कि तुम इसे थोड़ा लूज कर लेना. मैं वैसे थोड़ा लूज ही पहनती हूँ क्योंकि मेरे को तो ना शोल्डर में दर्द होने लग जाता है. ऐसे किया है उन्होंने, इसको बांधना है भाई साहब. ऑलरेडी मेरे को जकड़ा हुआ और चेस्ट से टाइट टाइट फील हो रहा है. इसको लाइक ऐसे करना है. अच्छा अभी बांध दिया मैंने, पीछे बांधना. थैंक्स मन्नी. मन्नी सेविंग लाइफ सिंस फॉरएवर. अब पीछे बट ये नहीं आ रहा. यस ओ थोड़ा मत. नहीं छोड़ूंगा वो, देखा पीछे. मैं समझ गई ये क्या है. पीछे से भी कर सकते हो तुम, इतनी मेहनत कर रही हो तुम, तुमने बाल खींचे नोचे, ये क्या बात हुई यार. हाय यार ये ऐसे करके दिखाते हैं ना, पता लगता है क्या ही अलग सी चीज है. तो बहुत ही सिंपल है, तुम पीछे से ही कर लो. तुम्हें आगे से ये कुछ ऐसे फैंसी सा करने की जरूरत नहीं है. पीछे के स्ट्रैप को बस ऐसे बांध दो. ये है इसमें, ये इफेक्ट तो आया है. इफेक्ट तो आया है बाबू राम. ओके तो बेसिकली पीछे के स्ट्रैप्स को तुमने बांधा और ऐसे लाइक टाइट सा हो गया. इसको थोड़ा नीचे हम कर सकते हैं, लेकिन जुगाड़ ऐसे टी शर्ट वगैरह में ही पहन सकते हो तुम. अदरवाइज पीछे तुम्हारा ना पूरा ऐसे मेस दिखेगा. बट या इट काइंड ऑफ वर्क्स. अभी मैंने हटा दिया है वो थ्रेड. ये रहा. विजुअली शायद ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब मेरे को नॉर्मल ढीला कंफर्टेबल फील हो रहा है. तो आई गेस खुद को ज्यादा पता चल रहा है. तुम ट्राई करके देखना जरूर. आगे बढ़ते हैं. हमारे पास है हाउ टू मेक अ बैकलेस टॉप. हमने बहुत बैकलेस टॉप बनाया है अपनी वीडियोस में. ओके कैमी टॉप और आई गेस ये हमने किया हुआ है, पता है ये हमने पुरानी फैशन हैक वाले वीडियोस में किया हुआ. यार आजकल ना हैक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तुम्हें नहीं लग रहा है? बट ऑफकोर्स यू गाइज आर दी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग एंड सर्चिंग न्यू वाले ऐसे यूनिक वाले फैशन हैक्स. तो तुम मुझे भेजो यार इफ़ यू वॉन्ट मी टू ट्राई दोज. हम ऐसे पर्दाफाश करेंगे कि वो वर्क करेंगे भी या नहीं. तो प्लीज़ मेरे को वो भेजना है. तुम मुझे बता कि आज वाले हैक्स कैसे थे. वैसे काफ़ी वर्क कर रहे हैं ना, मेरे को दिखने में काफ़ी वाले डाइसी भी लग रहे थे, बट इट वर्क सो वेल. आई एम सो ग्लैड. प्लीज़ कीप सेंडिंग मी दोज एंड मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हैक कौन सा था आज की वीडियो में से. इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन. बाय. मैं बस बिल्कुल ऐसे पढ़ाकू यूट्यूबर लगती हूँ, हाथ में आईपैड लेके हूँ नहीं मैं.